Himalaya Quista Pro has superior protein way. The healthy way to fitness. New Zealand के खिलाफ T20 और One Day Series और Bangladesh के खिलाफ One Day और Test Series के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। भारत जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगा और इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की One Day Series खेली जाएगी। इसके बाद टीम इंडिया दिसंबर में बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी और वहां टीम 3 मैचों की वन डे सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। अब इन दोनों दौरों के लिए चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम का सोमवार को ऐलान किया और सबसे बड़ी खबर है कि खराब फॉर्म से गुजर रहे केएल राहुल को एक करारा झटका लगा है। चयनकर्ताओं ने इस बल्लेबाज को आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया। हम देख ही रहे हैं लंबे वक्त से केएल राहुल का जो है लचर प्रदर्शन रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भी वो कुछ कर नहीं पाए हैं अभी तक और आगे जो आने वाले सीरीज हैं उसमें उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीम में तेज गेंदबाज यश दयाल और कुलदीप सेन 2 नए चेहरे होंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या, तो वहीं 3 मैचों की वन डे सीरीज के लिए कमान जाएगी शिखर धवन के हाथों। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वन डे और टेस्ट टीम की कप्तानी फिर से रोहित शर्मा के हाथों में आ जाएगी। बता दें कि घोषणा करने के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा से पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा विराट कोहली ने इस दौरे के लिए रेस्ट मांगा था, तो उन्होंने कहा कि साफ कर दिया उन्होंने कि ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई थी खिलाड़ियों द्वारा, बल्कि सिलेक्टर्स ने ही वर्कलोड को देखते हुए इस तरह का फैसला किया है। और साथ ही साथ बता दें कि दिनेश कार्तिक को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 टीम में जगह नहीं दी गई है और इसके बारे में चेतन शर्मा ने कहा कि उनका भी वर्कलोड जो है इसके पीछे कारण है, इस फैसले के पीछे कारण जो है उनका वर्कलोड है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी जो है उनको लेकर जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए थी, सिलेक्टर्स ने कहा है, यानी कि उन्होंने माना है कि उनको लेकर जल्दबाजी की गई थी, सही तरीके से उनको हैंडल नहीं किया गया था और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम का वो हिस्सा हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। बता दें यश दयाल को बांग्लादेश के खिलाफ वन डे सीरीज और कुलदीप सेन को न्यूजीलैंड के खिलाफ वन डे सीरीज में भारतीय टीम में शामिल किया गया है और इन दोनों के अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया गया है जो कि पहले भारतीय स्क्वाड का हिस्सा तो रह चुके हैं लेकिन अभी तक उनको अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। उनमें रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी शामिल हैं। न्यूजीलैंड सीरीज 18 नवंबर से शुरू होगी। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया इस प्रकार से है। हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान होंगे, ऋषभ पंत उप कप्तान, शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ वन डे सीरीज के लिए टीम इंडिया इस प्रकार से है। शिखर धवन कप्तान, ऋषभ पंत उप कप्तान, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन और उमरान मलिक। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया इस प्रकार से है। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और युवा यश दयाल।